नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल जेठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। ये आपने थंबनेल में देखा, आज हम क्लास करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि हमारी दो क्लास ऑलरेडी सब्जेक्ट पे हो चुकी है पिछली बार, और आज हमारी ये तीसरी क्लास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और कोशिश करेंगे कि आज इस क्लास को हम खत्म करेंगे, और अगर कुछ इनके क्वेश्चन कुछ बच गए तो हम फिर एक दो क्वेश्चन इनके कल कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आज हम क्लास को खत्म करें, ठीक है। और अब आपने जैसे देखा है कि हमने हमारा ये नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, और नंबर सिस्टम के टॉपिक में ही आता है अरिथमेटिक का। और मैंने जैसे आपको कहा था कि ये रूल्स ऑफ नंबर का जुड़वा भाई, तो लगभग वो वैसा ही एक टॉपिक है ये, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। और दूसरा ये है कि अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि एक प्लेलिस्ट में से पढ़ने का, एक सिस्टम से पढ़ने का, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में पढ़ने का जो आपको मिलता है फैसिलिटी, ये आपको ये एक प्लेलिस्ट से ही मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में आप एक सीक्वेंस में पढ़ भी पाओगे, और दूसरी चीज़ें आपको हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि आप कोई क्लास मिस नहीं करोगे और आपकी कोई लर्निंग मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम आप कर लेना, और आगे हम बढ़ते हैं। अभी आज हमारे इस पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड क्लास के ऊपर चलते हैं हम। कल की क्लास सेकंड क्लास में हमने 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे सीरियल नंबर, तो आज हम सीरियल नंबर 11 से करेंगे क्वेश्चन। और आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो हम आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और करते हैं कैसे इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो आइए देखो, तो क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, इज 12। मतलब बोल रहा है कि दो नंबर की एक संख्या है, ठीक है, दो नंबर की संख्या है, और उस संख्या के जो दोनों नंबर को अगर जोड़ते हैं तो 12 मिलता है, 12 है, ठीक है। और उस एक उन दोनों संख्याओं को रिवर्स करके, मतलब आगे पीछे करके, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे करके, रिवर्स करके जब दोनों डिजिट्स को हम डिफरेंस निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल नंबर है जो पहले था उससे जो दूसरा नंबर हमारा बना वो 36 कम है, ठीक है। तो लेस देन 36 है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर मतलब ये आप ये समझ लो कि एक हमारा नंबर है ए बी, ठीक है, ए और बी हमारा नंबर है, जिसको अगर हम प्लस करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो इसका जो योग है वो इसका टोटल 12 आता है। और अगर हम बी कर रिवर्स कर देते हैं, यानी कि बी को आगे पहले कर देते हैं और ए को बाद में कर देते हैं, और फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास 36 बच जाता है, ठीक है। तभी ये 36 लेस है, मतलब ये 36 कम है, जो ये माइनस हो जाता है इसका बच जाता है, मतलब 36 हमारे पास बचता है। तो संख्या जो हमारी ये है कि ए बी में से अगर हम बी ए को माइनस करेंगे तो हमको 36 बच रहा है, और ए बी जो है ये हमारे पास 12 है, ठीक है। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट देखो, एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको कि कॉन्सेप्ट इनका कैसे काम करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक इनका ऐसा है कि मान लो आपके पास है ए प्लस ए बी, ठीक है, ए और बी संख्या है आप, ठीक है। जब आप इनको रिवर्स करोगे, ठीक है, इनको आप रिवर्स करोगे बी और ए, ठीक है, जब ए और बी को बी और ए से माइनस करते हैं हम, तो क्या होता है, जो यहां पर संख्या आती है, यहां दो नंबर की जो भी संख्या आएगी वो संख्या क्या है, हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वो संख्या जब ए बी से माइनस करेंगे हम, बी ए में बी ए को माइनस करेंगे, तो हमको जो संख्या मिलेगी वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, और उस संख्या को, उस संख्या का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस संख्या का हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, चाहे वो एक नंबर हो, दो नंबर हो, एक ही नंबर होगा वैसे, तो वो इन दोनों का रियल डिफरेंस होगा, कि अगर ये 7 है और ये 9 है तो यहां पर यहां हमको 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो यहां पर जो संख्या मिलेगी वो इसका ए बी का रियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये जो हमको आंसर मिलेगा यहां पर, ये क्या मिलेगा, रियल डिफरेंस मिलेगा ऑफ ए एंड बी, ठीक है।
यहाँ पर हमको ए बी का डिफरेंस मिलेगा। अब दूसरा केस समझो आप, अगर हम ए और बी को प्लस करते हैं बी और ए से, ठीक है। अब ए और बी को हमने जब माइनस किया बी ए से, तो हमको एक संख्या मिली, उस संख्या को हमने 9 से विभाग ये भाग दिया, तो हमको वो संख्या मिली जो एक्चुअल में ए और बी का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों संख्या को प्लस करेंगे, तो हमको प्लस करने पे यहां पे ऐसी संख्या मिलेगी, ये जो हमको मिलेगा, ये जो संख्या है ये पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये दो नंबर की भी मिल सकती है या ये तीन नंबर की भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये संख्या जो है ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये संख्या क्या होगा, इन दोनों का योग होगा। माइनस के केस में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, और इस प्लस के केस में, और इसको हम 11 से भाग देंगे तो 11 से पूरा जाएगा ये, और इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा रियल सम ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है ऐसे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको हम क्या करेंगे, अभी नंबरों पे अप्लाई करेंगे, और वहां से हम सीखेंगे कि ये कैसे करता है, क्या इनका फंडा होता है, ठीक है। ये आप समझ जाओगे, अगर हम माइनस करते हैं तो जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होगी, और उसका जो आंसर आएगा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए और बी का डिफरेंस होगा। और ए और बी को अगर हम प्लस करेंगे बी ए के साथ, उल्टा करके रिवर्स करके प्लस करेंगे, तो ये संख्या जो मिलेगी अपने को, ये 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, और जो 11 से पूरी तरह विभाजित होगी वो संख्या, उसका जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा इसका रियल योग, मतलब ए बी का प्लस होगा जो भी होगा वो, ठीक है। तो यहां पर ये मिलेगा हमको। अभी आप देखो, अभी हम कुछ नंबर लेते हैं एक दो, और नंबर के ऊपर इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ताकि आपको उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो, एक नंबर है हमारे पास, ये एग्जांपल है, ये हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन को करेंगे बाद में, मैं अब एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। 74 ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक नंबर है 74। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा, ठीक है, 47 बन जाएगा ये। और 47 को जब हम 74 से 47 माइनस करेंगे, तो देखो हमको क्या आता है, ये जो यहां पर जो उत्तर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यह आप देखो, यहां पर 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहां पर 6 बचा है, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। यानी कि 27 एक जो है वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, तो आपको यहां पर आंसर क्या आता है, 3। अब ये आंसर जो है इसका रियल डिफरेंस है, ठीक है। जब आप 7 में से 4 को माइनस करोगे, तो आपको 3 आएगा, ठीक है। ये फंडा है कि आप किसी भी संख्या को रिवर्स करके उसको माइनस करोगे, तो आपको एक 9 का मल्टीप्लाई आएगा, जो कि 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा, और उस जो डिवाइड उसको 9 से जब आप डिवाइड करोगे, तो उसका जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इसका रियल डिफरेंस होगा ओरिजिनल नंबर का, मतलब ये है ओरिजिनल नंबर, इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसी का, ये 63 है, ठीक है, 63 है, इसको हमने रिवर्स किया 36, और इसको माइनस कर दिया, तो आप देखो 13 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा, 7, ठीक है। और फिर आपका यहां बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचा, ये भी आपका 27 है, ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, और इसका आंसर भी 3 है। और ऐसे ही हम प्लस कर एक और संख्या देखते हैं, अब ये देखते हैं प्लस के साथ, तो आप देखो ये एक संख्या है यहां पर 74, अगर 74 को हम रिवर्स करते हैं तो ये 47 हो जाती है, और इस संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितनी आएगी, देखो 7 4 11 और 1 12, मतलब 121, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये क्या होगी, ये 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो आप देखो हमको आंसर आता है 11, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और आप यहां पर देखो, अगर 7 और 4 को हम ऐड करते हैं तो यहां पर भी ये 11 आता है, ठीक है, यहां पर भी 11 है, यहां पर भी 11 है,
तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर माइनस करोगे तो आपकी संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी, और 9 से डिवाइड होने पे कितनी बार डिवाइड होगी वो जो आंसर आएगा वो उसका रियल डिफरेंस होगा। और अगर रिवर्स करके संख्या को प्लस करेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो डिवाइड होगा 11 से, और 11 से जब हम उसके डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो रियल सम होगा किसका, हमारी ओरिजिनल जो संख्या है उसका। ठीक है, ऐसे एक और चीज देखो, एक मैं बोलता हूं कि 63 है तो 63 को हमने किया 36 और इसको प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया तो कितना आया, 639 और 639, और इसको जब हमने डिवाइड किया 11 से तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 9, और इनका भी आप सम देखो 9। ठीक है, तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट काम करता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इसी बेस पे चलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखो आपको ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एक ए को, एक संख्या है हमारी ए बी, अगर हम इसका प्लस करते हैं तो ये क्या है, ये 12 है। ठीक है, ये संख्या जो हमारी ये है इसका ऐड करते हैं, हम बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, ये हमारी दो नंबर की एक संख्या है, और अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमको 12 मिलता है। ठीक है, और द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब बी बाय बी और ए नंबर्स इसको किया तो क्या मिला हमको, कि वो जो संख्या मिलती है वो 36 लेस है, यानी कि इसको माइनस करने पे हमको 36 मिलेगा ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, तो अपने को ए बी मतलब ये फाइंड ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि यहां पर जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या होगी, 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, ये इन दोनों के इसी से मिली है हमको माइनस करके। और अब ये जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, और जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, ये 9 चौक 36, तो अब हमको यहां पर पता चल गया कि ये जो संख्या है ए बी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस है 4। ठीक है, मतलब डिफरेंस अगर 4 है तो यहां पर हमको 4 मिल गया। अगर ए बी को हम माइनस करेंगे, ए बी प्लस 4 है, अगर ए बी को माइनस करेंगे यहां पर हमको मतलब दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो 4 मिलेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस हमको 4 मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि ये बड़ी कि वो छोटी, डिफरेंस हमको मिल गया कि यहां पर 4 है। लेकिन एक चीज यहां पर ये भी क्लियर है कि जो बाद में जो संख्या बनाई हुई है वो छोटी है, 36 लेस है, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो ये बड़ी संख्या है, ऊपर वाली संख्या ये बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको प्लस करने पे 12 बनता है आपस में, और माइनस एक में से एक माइनस करते हैं तो 4 बनता है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे तो एक ही चीज हो सकती है, 8 और 4, अगर 8 में 4 8 और 4 में, अगर 8 8 प्लस 4 और 8 माइनस 4 4, तो अगर 8 माइनस 4 करोगे तो आपको 4 आएगा, और 8 प्लस 4 करोगे तो आपका 12 आएगा। तो ये हमारी संख्या यहां पर मतलब 84 है, तो ये हमको पता चल गया कि ऑप्शन में भी देखो आप देख सकते हो। और एक चीज और है, आप ना ऑप्शन से भी यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर जो 12 देखने को मिल रहा है तो यहां पर ओरिजिनल संख्या में तो कहीं 12 है ही नहीं, ये तो 6 3 6 3 हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ यही होता है कि ये 84 है कि 48 है ये। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हमारा जो दिमाग अगर काम कर गया टाइम पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये जो दो संख्या है ये 8 और 4 12 होती है, इन दोनों को मिला के इसको भी अगर हम प्लस करेंगे तो 12 होगा, और इसको भी प्लस करेंगे तो 12 होगा। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, और ये बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से जब हमने रिवर्स करके माइनस किया तो हमारे वो 36 लेस है। इसका मतलब ये पता चल गया कि जो बाद में हमारी संख्या बनी है रिवर्स करने के बाद वो संख्या छोटी है, तो हम इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी और ये बड़ी है, तो ये हमारा आंसर वैसे भी हम कर सकते थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत जरूरी था, ये कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर हो जाएगा तो और जो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो यहां पर कर नहीं पाएंगे हम, वो भी हम उनको कर लेंगे। ठीक है, तो मुद्दा मेरा ये था, तो ये आपका जो आंसर है आपका 84 आंसर आएगा इसमें, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करने का फॉर्मूला इसका, करने का जो कॉन्सेप्ट है वो है। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अगर ये आपको याद है तो आप इसको दिमाग दिमाग में रहेगी तो एग्जाम में
आपको फट से क्लिक करेगी, कोई क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ यहाँ पर करना क्या है, नहीं तो हम हमको 5-2 मिनट तो ऐसे लग जाएंगे क्वेश्चन पढ़ने में और समझने की इसको करना क्या है। ठीक है, तो ये है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर्स इज 12। ठीक है, दोबारा ये ऐसा ही क्वेश्चन आया है, लेकिन हो सकता है इसमें कि नंबर दूसरा हो। द नंबर नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इस 54 लेस। अब देखो पहले यहां पर क्या था, 36 लेस था, अब 54 लेस है। ओरिजिनल नंबर, ठीक है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब यहां पे आप देखो ए बी सी और डी आपके जो ऑप्शन है इसमें क्या है, नाइन्टी थ्री, थर्टी नाइन, नाइन्टी वन, 19। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर भी आपको ऑप्शन से आप दिमाग लगा सकते हो, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं अपना ऑप्शन में। आप देखो ये बोल रहा है कि 2 डिजिट की संख्या है जिनको जोड़ने पे 12 मिलता है, तो यहां पर ऑप्शन में सिर्फ ए और बी ऐसी संख्या है जिनको मिलने जोड़ने पे हमको 12 मिलता है, और ये भी यहां बोल रहा है कि जो नंबर को रिवर्स करने के बाद जो दूसरी संख्या मिली हमको वो 54 लेस है ओरिजिनल से। तो वही है अपना कॉन्सेप्ट, मतलब जो ऊपर वाली ओरिजिनल है वो बड़ी संख्या है, मतलब 93 हमारा ए ही ऑप्शन होगा, लेकिन अभी इनको हम करेंगे। देखो हम इसको करेंगे, देखो यहां पर अपनी संख्या है मान लो ए बी, तो ए बी को जब हम जोड़ते हैं तो मिलता है हमको 12, और जब बी ए को हम घटाते हैं, ए बी में से बी ए घटाते हैं तो हमको मिलता है कितना, 54, मतलब 54 लेस है, मतलब हमको 54 मिला। ठीक है, तो 54 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड होगी, और 9 से डिवाइड कितनी बार होगी, 6 से, तो मतलब हमको पता चल गया कि जो ए बी का डिफरेंस है वो क्या है, 6 डिफरेंस है। ठीक है, 6 का डिफरेंस है इसमें। तो अब देखना क्या है हमको कि 12 में ऐसी कौन सी संख्या रहती है कि जो दोनों संख्या को प्लस करने पर 12 होता है और माइनस करने पर 6 आता है। तो वो सीधा है कि 9 और 3 है, 9 में से अगर 6 जाएंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा आपका, और 9 माइनस 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा, और 9 प्लस 3 करेंगे तो आपका 12 आएगा। ठीक है, तो यहां पे कंफर्म हो गया हमारी जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारी संख्या जो है वो 93 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्रेटेस्ट नंबर
लेस देन 1100। Which is divisible by both 12 and 14। इस ऑप्शन है आपका 1096, बी है 1090 और आपका ऑप्शन सी है 1092 और आपका जो डी है वो है 1100। ठीक है, क्वेश्चन है कि ऐसी ग्रेटेस्ट एक नंबर हमको इसमें से ऐसे फाइंड करना है जो कि 11 से कम हो, 11 के बाद पहला वो मतलब क्वेश्चन हो, ग्रेटेस्ट चाहिए हमको 11 से छोटा लेकिन जो कि डिविजिबल हो, 12 और 14 दोनों से विभाजित हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं क्योंकि ऐसे नंबर हमको बहुत मिलेंगे कि जो कोई 12 से हो रहा है लेकिन कोई 14 से नहीं हो रहा है, कोई 14 से हो रहा है तो कोई 12 से नहीं हो रहा है, तो हमको यहाँ पर ऐसी संख्या फाइंड करनी पड़ेगी कि जो दोनों से विभाजित होती हो, जो दोनों से संख्या विभाजित होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो दोनों से संख्या विभाजित होती हो और उस संख्या से इस नंबर को हम जब विभाजित करेंगे जब होगा तो हमको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में आंसर क्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको लेना पड़ेगा 12 का एलसीएम, 12 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे कि 12 का और 14, तो अभी आप सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 और 14 दोनों में आता है, तो आपको इसकी टेबल बोलनी पड़ेगी कि 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 48, 12 फोर जा 60 में भी 14 नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 12 इंटू 7 होता है 84, कि 12 इंटू 7 आपका होता है 84। ठीक है, और 84 एक ऐसी संख्या है जो 14 में भी जाएगा, तो 14 से भी जाएगा, तो आप अगर 14 को इंटू 6 करोगे तो आपको यहां पर 84 मिलेगा। ठीक है, 14 6 या 84 होगा, 12 7 या 84 होगा। ठीक है, तो ये आपका LCM है, मतलब आपका जो LCM है वो क्या है, 84 है। अब आपको करना क्या है, आपको 1100 से 84 को डिवाइड करना है। ठीक है, 1100 को आप 84 से जब डिवाइड करोगे तो आपकी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख ऑप्शन से अगर खेलते हो तो ऑप्शन में देखोगे सारे में एक है। ठीक है, वो तो हमको बाद में मिलेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या, अभी आप देखो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो संख्या हमको देखनी पड़ेगी। तो 84 हमारा एक बार जाएगा 84। ठीक है, यहाँ बचता कितना है हमारा, हमारा बचता है यहाँ पर 26। 26 का फिर हम जब नीचे करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 84 इंटू 3 8 + 24 यानी कि 240 और 4 + 12 40 और 52, मतलब यहां 203 में बार में जाएगा ये 252। अभी आप देखो इसको कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 8 बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस रिमाइंडर को 1100 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारी संख्या यहां पर आ जाएगी, मतलब 11 में से 8 घटा दो आपको आ जाता है 1092। ठीक है, तो 1092 आपकी वो संख्या होगी जो कि 14 और 12 से भी विभाजित होगी और 11 के नजदीक सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, चलो अभी एक अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द डिजिट्स इन द यूनिट एंड द टेंथ प्लेस। ठीक है,
टेंस प्लेस ऑफ ए टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड ए न्यू नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या है दो डिजिट की, ठीक है, एक संख्या है दो डिजिट की जिसके यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक और टेन प्लेस यानी कि दहाई के अंक पे, ठीक है, उनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो जो नंबर बनता है वो क्या होता है, वो 54 बड़ा होता है ग्रेटर इससे, ठीक है। मतलब अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि यहां पर मान लो एक संख्या है ए बी, ठीक है, ए बी ये दो संख्या की, अब ये यहां पर है, ये टेंथ प्लेस पे है और ये आपकी यूनिट प्लेस पे है, अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए यानी कि बी की जगह ए और ए की जगह पे बी रख दिया जाए तो ये क्या होगा, ये जो संख्या है ये बड़ी होगी, ये संख्या ग्रेटर होगी, कितनी 54, मतलब ये प्लस 54 होगी, ठीक है, प्लस 54 मतलब इससे बड़ी होगी ये संख्या। तो ये बोल रहे हैं कि इफ द डिजिट इज 10 प्लस ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज एक्स, कि अगर यहां पर जो 10th प्लस की संख्या है, मान लो यहां पर अगर एक्स है तो एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यू हमको बताना है कि एक्स में कौन सी कितनी पॉसिबल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अभी आप देखो कैसे निकालेंगे इसको, अभी हमको पता है कि हम इसको जब इंटरचेंज करते हैं, अगर हम इसको करेंगे, ये संख्या हमारी मान लो बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी ए में से अगर हम ए बी को माइनस करते हैं, ठीक है, ये संख्या हमारी पता चल गई कि नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी संख्या है, तो बी और ए, बी में से बी ए में से ए बी अगर हम माइनस करते हैं तो हमको यहां पर 54 बचता है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या 54 बड़ी है, तो ये पता है हमको कि ये संख्या होगी जो 9 से डिवाइड होगी, ठीक, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, ये संख्या जब 9 से डिवाइड होगी तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 6, 9×6=54, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है ये क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो अब ये है कि बी और ए में 6 नंबर का डिफरेंस है, तो हम यहां पर हमको फाइंड क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि जो अगर b की वैल्यू x है, ठीक है, b की जगह पे यहां मतलब टेंथ प्लेस पर अगर b की जगह पे x है तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो हमको बतानी है, और यहां पर ये ऑप्शन हमको दे दिए हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे इनको, क्योंकि हमको पता है कि ये टेंथ प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है,
तो हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ से एक एक नंबर चेक करेंगे। अब हमको पता चल गया कि यहाँ डिफरेंस जो है ये 6 है, डिफरेंस 6 है पता चल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे टोटल पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे हम, कि अगर टोटल हमारा पहली 10th की प्लेस पे 0 है तो यहां पर हमारा कितना होगा, यहां पर 6 का डिफरेंस है तो यहां पर कम से कम ये 6 होगा, ठीक है, यहां हमको 6 मिलेगा। और अगर यहां 1 होगा तो हमको कितना मिलेगा, यहां पर 7 मिलेगा। अगर यहां 2 होगा तो हमको कितना मिलेगा, यहां पर 8 मिलेगा। और यहां पर अगर 3 होगा तो यहां पर हमको 9 मिलेगा। और इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि यहां इससे आगे हमको डबल वैल्यू मिल जाएगी, डबल वैल्यू मिल जाएगी यहां 9 की जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज है बड़ी संख्याओं में, ठीक है, टोटल पॉसिबल वैल्यू है मतलब हमारी जो ये है यहां पर वो 1, 2, 3, 4 ही आ सकती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं है, उसको बस देखना है इसमें नंबर कहां दिए और ये बोलना क्या चाह रहा है, बस समझना, आपको क्वेश्चन समझना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपको जब क्वेश्चन की भाषा समझ में आ जाएगी तो फिर आप आसान हो जाएगा आपको समझना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मेरा यही है कारण, मतलब कि यहां पर कि आप कम से कम कॉन्सेप्ट को जब आप सीखोगे तो आपको हर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखो उसके बाद प्रैक्टिस करोगी तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज टू बी ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो कि 77175 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो वो नंबर जो है वो x है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे हम, कि अगर हमको पता है कि मान लो यहां पर एक संख्या है, ठीक है, कि 77175। अब ये जो संख्या है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन जब इस एक्स एक संख्या है एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब वो आंसर आता है, जब इन दोनों का गुणनफल आता है आपका, तो वो जो संख्या होगी वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कि हम कैसे पता करेंगे कि ये वो इनमें से वो कौन सा नंबर है जो कि इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि 4, तो ये अगर ये स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, ये अगर रूट का साइन हटाएंगे तो उसको कैसे हटाएंगे हम, हमको पता है कि अगर मैं 2 × 2 यानी कि जब ये जोड़ा बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तब ये बाहर निकलेगा उसमें से 1, ठीक है, तब हमको पता लगेगा कि हाँ ये जोड़ा बन गया तो ये निकल सकता है, अगर जोड़ा नहीं बना तो वो नंबर
रूट के अंडर में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम निकालने का, इसका क्या है फॉर्मूला, इसका इसको हम ऐसे निकालेंगे कि हम इसका फ्रैक्शन कर देंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो हम इसका देखो फैक्टर कैसे करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे हम 77175, ठीक है। अब इसका फैक्टर करो, ठीक है। ये संख्या लास्ट में पांच है, मतलब इसका कंफर्म है कि ये दो से संख्या नहीं जाएगी, ठीक है। दो से दो इसका फैक्टर नहीं है, तो हम कम से कम तीन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तीन तेरह पंजे पंद्रह, पांच जो है वो तीन के इसमें आता है, लेकिन ये दो में नहीं आता। तो हम इसका क्या करेंगे, यहां से हम तीन स्टार्ट करेंगे। तो आप देखो तीन दूना छ, दो बार गया एक कैरी हो गया, तो कितना हो गया 17 हो गया, मतलब तीन पंजे पंद्रह, ठीक है। फिर दो बच गया, दो उधर दे दिया, तो कितना हो गया 21, तो तीनों सत्तर 21, ठीक है। 21 तक गया, उसके बाद आ गया तीन दूना छ और एक और आ गया, और तीन पंजे पंद्रह आ गया, ठीक है। फिर आप ट्राई करो तीन से करने की, तीन से हम अगर करेंगे तो ये क्या होगा, देखो तीन से ये होगा तीन चौके तीन पंजे पंद्रह, तीन छह अठारह, तीनों सौ तो इक्कीस, तीनों अठो चौबीस, तो मतलब ये आठ बार 24 तक जाएगा, उसके बाद एक बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो तीन पंजे पंद्रह फिर जाएगा, फिर आपका दो बच गया, दो कैरी उधर दे दो, फिर आपका तीनों सत्तो 21, फिर आपका एक बच गया 15, पांच एक उधर दे दो, तो 15 हो जाएगा, तीन पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये कंफर्म है, ये तीन से अब नहीं जाएगा, आठ पांच 13 और सात 20 और पांच 25, मतलब ये तीन से नहीं जाएगा, यहां पर पांच आ, अब ये पांच से जाएगा, ठीक है। पांच से जाएगा तो क्या होगा कि पांच एकम पांच, उसके बाद तीन इधर कैरी हो गया, आगे कैरी हो गया, तो ये बन गया 35, तो सातें पंजे 35, और उसके बाद पांच एकम पांच और दो फिर कैरी हो गया, पचम 25, ठीक है। तो आपका फिर हो गया यहां पर, और यहां एक आएगा, ठीक है, सात पांच एकम पांच। उसके बाद हम फिर दोबारा इसको पांच से करेंगे, तो क्या होगा कि पांच या पंद्रह और दो उधर चला जाएगा, 21 हो जाएगा, तो पांच चौके 20, फिर एक आपका एक बच जाएगा, फिर आप उधर कैरी करोगे तो 15 हो जाएगा, और पांच या 15। अब देखो यहां पर आने के बाद आपको पता लग गया, अगर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद है तो ये दिख रहा है कि 343 जो है आपका, ये है 7 का क्यूब, ठीक है। तो ये 7 से 49 बार जाएगा, ठीक है, और फिर आप जब इसको करोगे तो ये 7 बार जाएगा, और फिर आप इसको करोगे 7 से तो ये 1 बार जाएगा। अब देखो अब यहां पर खेल क्या होगा कि ये जो तीन है, ये तीन के यहां पर जोड़े बन गए, मतलब इसका मतलब ये तीन इसमें से हम आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप पांच के जोड़े बन गए, पांच भी दो है जोड़े बन गए, फिर ये एक सात का भी जोड़ा बन गया। अब ये एक सात जो है ये सिंगल हो गया, ठीक है। तो हमको ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई करे, और जब स्क्वायर का बात करेंगे हम तो सेम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब एक हमको सात चाहिए, इसमें एक्स की जगह पे एक सात, सात ऐसी संख्या है वो चाहिए हमको, ताकि जो हम इसको सात से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी 7 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको निकालेंगे। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है, जो भी है एक नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऐसे हम वैल्यू उसकी निकालेंगे, ये उसका तरीका है, ठीक है। अब देखो How many numbers are there from 600 to 850
बोथ आर इंक्लूडेड। देखो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम फॉर्मली फ्रॉम। देयर आर फ्रॉम 600 टू 850, बोथ आर इंक्लूडेड। मतलब एक नंबर है ठीक है, और विच आर नेदर डिविजिबल बाय 3 नॉट 7। ठीक है, एक ये जो संख्या है कि 600 से लेके, मतलब ये बोल रहा है कि बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, मतलब 600 से लेके 850 तक, 850 तक ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है जो कि 3 और 7 से दोनों से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब ये संख्या निकालनी है हमको कि 600 और 850, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, 600 को भी इंक्लूड करना है, 850 को भी इंक्लूड करना है, उन उनमें इतनी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 और 7 से पूरी तरह दोनों विभाजित नहीं होती है। ठीक है, होती है, हमने क्वेश्चन बहुत देखे कि कौन कौन सी होती है, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर तो हमको यह दिया है कि कौन सी नहीं होती है, तो उनका क्या तरीका है। उनका तरीका यही है कि हम निकालेंगे तो वही कौन सी होती है, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, ठीक है, ताकि हम तभी तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर संख्या आप देखो कि टोटल अगर हम 1 से लेके 850 तक टोटल संख्या गिने तो 850 होती है, लेकिन 850 तक से लेके 850 में से इतनी संख्या हमको काउंट नहीं करनी है, कितनी, 600, लेकिन ये 600 जो है ये इंक्लूडेड है तो हमने इसको लेना है, तो मतलब हमको माइनस इसमें से क्या करना है कि 599। ठीक है, अब 599 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता बचता है कि 10 में से 1 जाता है तो 1, 4 में से 1 नहीं जाएगा, 14 में से जाएगा 9, और 5 14, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। यानी कि हमारी टोटल जो संख्याएं हैं वो 251 है। ठीक है, अब 251 में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं कि जो 3 और 7 से विभाजित नहीं होती, तो हम कैसे निकालेंगे उनको। उनको निकालने का एक ही तरीका है, हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये 600 में से, मतलब 599 में से इसमें से 850 से देंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, पहले वो संख्याएं ढूंढेंगे हम कि 850, ये देखो आप कि 850 डिवाइड बाय 3, उसके बाद ढूंढेंगे हम 850 डिवाइड बाय 3, उसके बाद ढूंढेंगे हम 850 डिवाइड बाय 21, यहां 7। ठीक है, अब देखो पहले हमको करना पड़ेगा कि 850 में से 3 डिवाइड होगा, कितनी संख्या डिवाइड होगी, फिर 850 में कितनी संख्या डिवाइड 7 से होगी, उसके बाद हमको ढूंढना पड़ेगा कि 850 से कितनी संख्याएं 21 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर तो इन्होंने पूछा है कि 3 और 7 सिर्फ 2 ही संख्या है, लेकिन हम क्या 21 का भी कर रहे हैं। अब 21 का हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 21 का हमको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब हम इन दोनों में से वो डिफरेंस निकाल लेंगे तो 21 और 7 जो होता है उनके एलसीएम से भी बनता है 21। ठीक है, 3 और 7 तो 21 होता है, तो इनके एलसीएम से भी कुछ संख्या, बहुत संख्या ऐसी होगी कि जिसमें डिवाइड होगी, और वो संख्या 3 से भी होगी और 7 भी होगी, मतलब हमारा जो नंबर होगा वो ओवरलैप हो जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 850 से पहले 3 की निकालेंगे, फिर 7 की निकालेंगे, और फिर जो 21 की निकालेंगे, और 21 की क्या करेंगे, 3 और 7 को ऐड करके 21 उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हैं ये डिवाइड अपनी इतनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहां इतनी आई, फिर इसमें से हम क्या करेंगे माइनस, और माइनस में हम क्या करेंगे, ये 599 तक की संख्या हम नहीं लेंगे, इसलिए हम इसमें से 599 में फिर दोबारा
तीन तीन का तीन तीन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 और 5 99 में 21 का, ठीक। अब देखो, अब यहां पर आप इनका डिवाइड करो तो कितना आएगा आपको डिवाइड, अभी डिवाइड में लिख देता हूं, आप अपने हिसाब से और करके देखना। देखो 850 को हम 3 को करेंगे तो ये हमारा यहां पर जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 283, ठीक है, 283 आ गया। फिर इसमें से हम जब करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 121, और इसमें से हम करेंगे तो हमको मिलेगा 40, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से इस वापिस दोबारा इसको करेंगे, ठीक है, यहां दोबारा हम वापिस इसको करेंगे। अब यहां से 599 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 199, ठीक है, आपको मिलेगा 199। उसके बाद आपको यहां से 599 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 85, ठीक है। उसके बाद आप जब 599 को 21 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 28। तो अभी आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको 283 में से ये घटा देना है, 283 में से 199 घटा देना है, 121 में से 85 घटा देना है, ठीक है, और 40 में से 28 घटा देना है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, जब आप 283 को में से 283 में से 1 इसको घटा देते हैं आपको बचता है 84, ठीक है, यहां लिखता हूं सामने, आपको यहां मिलता है 84 संख्या आपकी जाएगी, मतलब यहां पर आपकी 84 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी। उसके बाद आपको 121 से आप जब 85 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 36, तो 36 यहां पर ऐसी संख्या है आपकी जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। उसके बाद आपको 40 से 28 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 12, आपकी बचेगी 12 संख्याएं, तो मतलब 12 ऐसी संख्याएं हैं आपकी जो कि इनसे डिवाइड 21 से डिवाइड होगी और 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करके हमको 12 माइनस करना पड़ेगा, उसमें से जो आएगा उसमें से 12 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारी एग्जैक्ट संख्या मिलेगी हमको। तो 84 में जब आप 36 ऐड कर दोगे तो देखो 6 4 10 और 1 8 और 9 10 11 12 आपको 120 संख्या ऐसी मिली जो कि आपकी पूरी 7 और 3 दोनों से विभाजित होती है, लेकिन आपकी जो 21 से होती है उनको आप घटाओगे तो इसमें कितना बचेगा, 20 में से आपका 12 चला जाएगा तो आपकी बचेगी 108 संख्याएं, ठीक है। अब ये जो 108 संख्याएं हैं ये आपकी पूरी तरह विभाजित होती है 3 और 7 से, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, जो हमारी टोटल संख्या है 251 में से हम 108 माइनस कर देंगे, तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 11 में से 8 जाएगा तो 3 4 और 3 1 आपका यहां पर 1, तो मतलब ये है कि आपका जो ये है 143 ऑप्शन सी, ये है आपका करेक्ट आंसर। इसमें आपके 600 से लेके 850 तक 143 संख्याएं हैं जो कि आपकी 3 और 7 दोनों से विभाजित होती है, और बाकी 143 नहीं होती है, सॉरी 143 आपकी संख्याएं विभाजित नहीं होती है, और आपकी 108 संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाजित होती है, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आज अपना टाइम तो हो गया है थोड़ा लंबा, इसलिए अपन 2-4 क्वेश्चन कल करेंगे और कल इस चैप्टर का समापन करेंगे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक आराम से प्रैक्टिस करो, सीखो कॉन्सेप्ट को दोबारा अपने साथ, जब अपने हिसाब से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम कल वापस मिलेंगे इसी टाइम पे, अपना इस और इसी टॉपिक के कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन को लेके आएंगे और उन क्वेश्चन को हम कल करके देखेंगे, और उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।